हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो लॉक लेआउट सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉक लेआउट सेटिंग जो है ना, डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग का, होम सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। अब होम सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक लेआउट, ठीक है। लॉक लेआउट इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को टैप करके इसे ऑफ करना है, ठीक है। इस सेटिंग को ऑफ करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इस सेटिंग को ऑफ करके भी बताऊंगा। देखिए, आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर अगर आप किसी भी ऐप को उसकी जगह से अगर आप हिलाने की कोशिश करेंगे तो हिलता नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो है ना होम स्क्रीन लेआउट लॉक हो चुकी होती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो लॉक लेआउट सेटिंग है इसे ऑफ करना है। ये ब्लैक कलर में बटन ऑफ हो जाएगा, यानी कि सेटिंग आपकी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, होम स्क्रीन पर जाना है और किसी भी ऐप को आपको उसकी जगह से हिलाना है ऐसे। तो देखिए, वो ऐप्स अपनी जगह से हिल जाएगा, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसे रख सकते हैं। तो ये लॉक लेआउट सेटिंग जो है ना, डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग ऐसे काम करती है आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये लॉक लेआउट सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है लॉक लेआउट, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।